तुमको समझ में आ रहा है वो कंप्यूटर लाने से पहले कितनी मेहनत है? हाँ, एक महीने पहले की याद करो, तुम आए थे, बहुत जोश में थे। कैसे जोश में थे? फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेगा तेरा भाई? दो ग्रुप लेगा ना, दो ग्रुप? क्या हुआ बेटा? दो ग्रुप? अबे एक ग्रुप के लगे तुम्हारे एक। सुबह उठ रहे हो, तुम्हारी हालत पता है क्या है? सुबह सुबह उठ रहे हो झटके से। तुम उठ नहीं रहे हो, झटका है, झटके से उठ रहे हो, ऐसे झटके से। हाँ गया डिटी, सैलरी सैलरी, झटके से उठ रहे हो। और झटका, अच्छा झटका सब्जेक्ट का नहीं, एक और झटका है, जगह मिलेगी क्या? झटका एक और है, पहले तो जगह मिलेंगी क्या? फिर दौड़ते भागते आए, डिटी के अंदर में बैठे, आधे प्रोविजन में तुम ये सोच रहे हो सच में मेरे को यही करना है? रमाई गुई, ये क्लियर हुआ, 15 मिनट का ब्रेक मिला, लो आते उसमें भी मेरे को तोड़ना ही है, मैं पढ़ना क्यों है? ठीक है, ये खत्म हुआ, आदमी सब्जी ढूंढ रहा है। पहले तो पानी में सब्जी कहाँ है? बराबर है, आदमी पहले सब्जी ढूंढ रहा है, सब्जी कहाँ है पानी में? ठीक है, उसके बाद आदमी खाना खा ले, खाना खाने के बाद आता अकाउंट। हाँ आधे आधे उसमें, कुछ तो कैसे अकाउंट पढ़ रहे? कुछ अकाउंट में बैठ के बाजू वाली के बुक में मंडला आर्ट ड्रॉ कर रहे हैं। उधर मंडला आर्ट ड्रॉ चालू है। ठीक है, कुछ कुछ लड़के बेचारे बैक बेंचर बाजू वाले से, कौन सा टॉपिक पढ़ा पढ़ा क्या रहा है? पढ़ा क्या रहा? इसके बाद अगर जिंदगी बच गई, ठीक है, उधर कैसे बैठे हो तुम? ऐसे, ठीक है, तुम ऐसे बैठे हो, टीचर वहां पे, दिस पर्टिकुलर, ठीक है, सामने वाले लिख भी रहा, तुम पहले बाजू वाले से पूछते हो, वो भी मुंडी सीधी रखे, ये मेरे को लिखना है क्या? ठीक है, उसके बाद तुम हर 10 मिनट में गलती से जैसी सर नीचे झुके, तुम्हारा सर तुरंत घड़ी पे, सर ऐसे झुके, अचानक सर ने जोक मारा, हंसना 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 हंसना, चुप चुप चुप, जोक खत्म, जोक खत्म। ठीक है, इन सब के बावजूद जो अखंड सिंगल लोग हैं, ठीक है, गलती से इनके बाजू कोई आके बैठ गया, तेरा लेक्चर जाएगा, इसमें तेरा लेक्चर जाएगा। अब क्या है, बैठे तो बाजू, लग जाता है गलती से हाथ, इसमें तेरा दो लेक्चर जाएगा, इसमें तेरा दो लेक्चर जाएगा, समझ रहे?
एंड यू आर लाइक छोड़ना ये चैप्टर, वर्चुअल में देखूंगा मैं, इधर कुछ नहीं हो रहा, इधर तो कुछ कर लो। क्या है देखो, पता है तुम लोगों के अंदर में ना कुछ डिफॉल्ट सेटिंग आ गई। डिफॉल्ट सेटिंग समझता है, सीए स्टूडेंट के अंदर में कुछ डिफॉल्ट सेटिंग होता है। डिफॉल्ट सेटिंग नंबर वन, आंखें खुली रख के सोना। समझ रहे हो तुम, आई या नहीं आई ईमानदारी से, ये तुम्हारा डिफॉल्ट सेटिंग हो गया है। आंखें खुली रख के सोना है ना भव्या, आंखें खुली रख के सोना। दूसरा 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 डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ अ सीए स्टूडेंट, मुंह बंद रख के खाना। चिप्स का पैकेट या टिफिन चल रहा है इधर, डिफॉल्ट सेटिंग गहरी सोच। अचानक से कोई दीवार ही इंटरेस्टिंग लगने लगती है, वो बेचारा बहुत दूर तक जाता, मैं सीए बनूंगा तो मेरा ऑफिस कैसे होगा। फिर उसको समझ में आता कॉन्सेप्ट पेंशन का चल रहा, जो मेरे को आ नहीं रहा, बहुत दूर तक जाके आता बेचारा। यस, और ये सब होने के बाद आदमी 6:30 बजे बैग उठा रहा, कैसे जा रहा पता है, 8 बजे। मेरा कॉन्सेप्ट टाइम पे नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट हालत पे है, ठीक है। बैग उठा के कैसे, ठीक है, वो इतना प्यारा बच्चा हो चुका है, उसको कुछ लेन देन नहीं। इधर बिग बिलियन डे ऑफर मरुदे, इधर चॉकलेट पेट मरुदे, वो अमेज़न सेल मरुदे। घर वाले बोल रहे, दोस्त फोन कर रहा, साइंस वाला है बेचारा भी, कौन भाई डांडिया का क्या प्रोग्राम है, एक काम कर वो डांडिया ले। अरे पूरी बात सुनो मेरी, पूरी बात सुनो, वो डांडे ले, पैसे मैं दूंगा, मेरे से पूछना भी मत। प्रॉब्लम पता है क्या है, रिप्लाई करने का टाइम नहीं है लोगों को, समझ रहे हो, रिप्लाई नहीं हो पा रहे अपने से, ठीक है। 8-9 बजे आदमी घर जाता, घर जाने के बाद प्रॉब्लम पता है क्या है, टेंशन, होमवर्क कर रहे, अकाउंट के 2-5, डीटी के 2-3, बराबर लॉ कटिंग, ये सब। अच्छा बेचारा चालू तो करता है, बेचारा चालू तो करता है, इतने में कोई रूममेट आ जाता, भाई चल रहा है और थोड़ा सा बाहर घूम के आते, वो उधर दिल तेरे साथ जा रहा है, आत्मा मेरी यही है। अच्छा गलती से कहीं चले भी जाओ, वहां जाके अलग गिल्ट हो रहा, गलती से कहीं चले जाओ वहां जाके अलग गिल्ट हो रहा लाइफ में। और हालत इतनी खराब है कि अगर दोस्त के साथ कहीं मिलना भी है कॉमन पॉइंट, एक काम कर प्रेस्टीज आ जाए, यहां से चलते हैं। सालो तुमको कॉमन पॉइंट भी नहीं समझ रहा कोई दूसरा प्रेस्टीज छोड़ के, कहां ना है तुमको प्रेस्टीज, और तुमको सारा होमवर्क करते करते पता चलता भाई कौन है वे, सोना है ना, सोना भी है। फिर तुम लास्ट में बेड पे ऐसे मरे पड़े जैसे, क्या है, तुम तो अपनी लाश को रख रहे हो ना वहां पे, तुम ऐसे देख रहे हो, और जब ऐसे देख रहे हो तुमको पता चल रहा है दोस्त बाकायदा पूरा कुर्ता उर्ता सब पहन के डांडिया खेल रहा है। दोस्त नंबर 2 पार्टी, दोस्त नंबर 3 किसी के साथ घूम रहा है, दोस्त नंबर 4 तुम्हारा ही कजिन,
तुम्हारा ही कजिन कोई तो प्रोग्राम में है एंड यू आर लाइक अलार्म 5, 5:10, 5:15, 5:20, 5:30, 6:15 बात सच्चाई है भाई, सच्चाई है। उसके बाद अलार्म ऑन ऑन ऑफ बाजू वाला भाई सुनना, भूत की गाने मत बताया। रात में दूसरा रूम में टूटे भाई पानी देना, मर उधर, पीना है पीने तो मर जा, मेरे को दिमाग मत खराब कर। यस, मेरा दिमाग ही मत खराब कर। रात में सपना आ रहा है, रात में भी सपना क्या आ रहा है, अबे रुक बे, रात में सपना क्या आ रहा है। ICAI वेबसाइट carresult.nic.in मैं रोल नंबर डाल रहा हूँ, स्पेशल कैप्चर कोड डाल रहा हूँ, पिन नंबर डाला, आगे बोलूँ या बस करूँ। इतने में तुमको याद आता, शिट टीटी को जाना है। और आधा पता है प्रॉब्लम क्या है, सुबह उठते पहला प्रॉब्लम याद आता पहनना क्या है, फिर याद आता कुछ भी पहन लो फर्क क्या पड़ रहा है, देखना तो है नहीं किसी ने, समझ आ रही है बात। बहुत डिफिकल्ट लाइफ है तुम्हारा यार। और इसके बावजूद भी वो बच्चा जब घर वाले फोन करते हैं और कैसा, बस सब ओके, क्लास कैसे चल रहे, परफेक्ट, सब समझ आ रहा पूरा, खाना खाया, हाँ खाया ना मैंने हल्दी की सब्जी, खाया ना खाया ना, और नाश्ता क्या क्या, पोहा सांबर, और क्या खाया, समोसा सांबर, और क्या उपमा सांबर, और क्या खाया, मेंदूड़ा सांबर, कईयों ने तो सिर्फ यहाँ आके समझा होगा कि पोहे के साथ सांबर टेस्टी लगता, और तुम्हारे घर वालों को समझाओगे ना मैंने पोहा सांबर कहा क्या, तुमसे ना हो पाएगा, वो इसलिए खाना पड़ता कि पोहा सूखा रहता। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा बहुत तकलीफ है, पर भाई ईमानदारी से बताता हूँ, इन सब के बावजूद भी मजा ना तब आएगा जब तुम है ना अपनी गाड़ी लेके निकलोगे और ये नहीं सोचोगे कि होटल में जाना कहाँ है, तुम ये सोचोगे अरे यार किधर जाना, कॉन्रेड जाना, ताज जाना, मैरियट जाना, वेस्टिंग जाना, किधर जाना है, फिर तुम सोचते छोड़ यार टाइम बचाता, वेस्टिंग चल जाते, वैसे भी राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड देखना है मेन्यू कार्ड का, जिसको नहीं समझा वापस सुनो, राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड देखना है मेन्यू कार्ड का, समझ आ रही है बात। लाइफ में तब मजा आएगा जब घड़ी के शोरूम में जाओगे ना और तुम सोचोगे घड़ी कौन सी लेना है, तुम ये दिमाग नहीं लगाओगे कि बजट क्या है, तुम ये दिमाग लगाओगे यार मैक्सिमम मैं व्हाइट शर्ट पहनता हूँ, ब्लू शर्ट पहनता हूँ, ग्रे शर्ट पहनता हूँ, एक काम करता तीनों एक एक ले लेता, समझ आ रही है बात। लाइफ में मजा कब आएगा, जब तुम अपने डैड को ना हेयर कट करवाने लेके जाओगे, किधर लेके जाना है, 3,000 रुपये वाला हेयर कट, यस 3,000 रुपये वाला हेयर कट तुम लेके जाओगे अपने डैड को JW मैरियट में हेयर कट करवाने के लिए, होता है वहां पे 3,270 रुपये लगते हैं, मैंने किया है इसलिए पता है, पप्पा का करवाया, अपना आज तक नहीं किया, पर भाई लाइफ में वो फीलिंग थी ना मेरे डैड को जब मैंने JW मैरियट लेके गया। अब प्रॉब्लम क्या, अपने पप्पा वगैरह को समझ नहीं आती ये सब चीजें, जिसने 30 रुपये में हेयर कट कराया उसको 3,000 समझ नहीं आएगा, पर तुम तो ये चाह रहे हो ना कि भाई अपन ने इतनी मेहनत करी ही पापू के लिए है, समझो। अब तुमको मैं आपको एक बात बता दूं, सर इतना गाली पड़ा था ना लाइफ में, मेरे से गलती हो गई, मेरे को हमेशा से पता था मैं मध्यम परिवार से आ रहा हूं। मैंने क्या किया, शूज लिए थे, शूज का कॉस्ट था 9,200, ठीक है, शूज थे। अब मैंने वो शूज लिए, शूज का बॉक्स प्राइस के साथ उधर ही रख दिया। अब अपने जब पप्पा मम्मी आते हैं ना, ये लोग CID होते हैं, ये लोग सबसे पहले ये देखते हैं अपना क्या चल रहा, और उसमें भी पप्पा आएंगे ना
सिर्फ देखेगा वो आदमी, बोलेगा कुछ नहीं। मेरे पापा ने गलती से वो बॉक्स उठाया कि प्राइस कितना है, रख दिया। शाम में मैं पहुंचा, बोलते ये लोग डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है। आपने देखा है मेरे पापा को, अच्छा दिख रहा है आज तू, शूज भी अच्छे लग रहे, कितने के हैं? 900 रुपए पप्पू। इमीडिएट चल मेरे को दुकान में लेके, मेरे को भी लेना है 900 वाले। मैं बोला आता वॉशरूम से, पीछे गया पल्लवी, मैंने तुमको पहले बोला था बॉक्स फेंक दो, प्राइस देखे और मेरे को 15 मिनट चिल्लाए, पैसे की कदर है कि नहीं है? और भाई बाद में जो 15 मिनट बैठ के मेरे को सुनाया है ना उस आदमी ने, पैसे है तो ऐसे नहीं उड़ाते, तुम में थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि 9,000 के जूते 900 का भी उतने का ही आता, तुमको क्या जरूरत है? पप्पा कौन समझा है, अटेम्प्ट लगाए ही इसलिए थे कि 9,000 का पहन सकूं। प्रॉब्लम ये है ना, अटेम्प्ट लगाए ही इसलिए थे कि 9,000 का पहनूं। मैंने अपना सुबह 7 से रात में 7 लगाया ही इसलिए था कि बाद में मेरे को 7 और 70 में फर्क ना करना पड़े, वो 0 से मेरे को फर्क ना पड़े। समझ आ रही है बात? मैंने अपने लाइफ के प्रीशियस मोमेंट जहां पे मैंने गरबा छोड़ा, गणपति डांस छोड़ा, दिवाली की छुट्टियों में प्लान कर रहा हूं कि दिवाली नहीं वीडियो देखने हैं, मैंने किया ही इसलिए है कि हर छुट्टी का बदला करोड़ों में होगा, हर छुट्टी का बदला करोड़ों में होगा, अपन ने किया ही इसलिए है। और आपका भी एम यही होना चाहिए, आपका भी एम क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए लाइफ में। आइए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सम पार्ट ऑफ माय लाइफ आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ, राइट? ध्यान से सुनिएगा, भले ही किताब बंद कर दो, बोर हो गया, कल देखेंगे, कल देखेंगे, कोई तकलीफ नहीं सर। वैसे तो आपको मोबाइल उबाइल नीचे रख दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, ये वीडियो वीडियो से कोई लेन देन नहीं, रख दो नीचे सर। सो एक्चुअली आई बिलोंग टू नागपुर, और वीडियो वीडियो नीचे रख लो, मोमेंट को जियो, वीडियो को नहीं, मोमेंट को जियो सर। तो दिस हैपेंड विथ मी कि मैं मेरे घर से भागा हुआ लड़का हूँ। अब मैं मेरे घर से भागा क्यों था वो सब लास्ट डे पे आ जाएगा आप। तो मैं जब मेरे घर से भागा, मैं लड़की के लिए नहीं पढ़ाई के लिए भागा था, ठीक है, लड़की बाद में आई जीवन में। सो मैं जब मेरे घर से भागा तो मैं गया जलगांव, जलगांव इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र, वहाँ पे मैं जलगांव में गया। इसी के लिए मेनी पीपल अंडरस्टैंड कि मैं जलगांव से हूँ, बट हाँ मैं जलगांव से भी हूँ, मैंने मेरे लाइफ के 6 साल वहाँ बिताए हैं। सो मैं जलगांव में गया, वहाँ मेरी बुआ रहती थी, सो मैं मेरी बुआ के साथ रहता था। तो वन ऑफ द एक्टिविटी, अब आप रिलेटिव क्या रहते तो आपको काम करने पड़ते, वन ऑफ द एक्टिविटी जो मेरे को काम दिया जाता था वो था मेरी फूफाजी की कार को साफ करना, राइट? तो रोज सुबह 7 बजे मुझे मेरे फूफाजी की कार को साफ करना पड़ता, ये मेरा डेली रूटीन था, राइट? दिन मेरे फूफाजी के पास थी इंडिका कार, तो रोज सुबह जाता लेता साफ करता। मेरे फूफाजी को कार का बहुत शौक था, तो एक मैगजीन आती थी ऑटो इंडिया करके, दिन मोबाइल इतना नहीं था तो मैगजीन्स पड़ी जाती थी, तो ऑटो इंडिया में ऐसी एक दिन शाम में खोल करके बैठा था तो उसमें मेरे को दिखा होंडा सिटी, ठीक है, उसमें मेरे को दिखा होंडा सिटी, गाड़ी बड़ी प्यारी थी। वो होता है ना कभी किसी को एक बार में पसंद आ जाती है, अपने को भी एक बार पसंद आ गई, अपन सो गए और रात में गाड़ी की डिलीवरी हुई होगी। दूसरे दिन मैं उठा,
हल्की सी बारिश, ठीक है। मैंने चाबी पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, डेली का हैबिट था, सुबह सुबह उठा बाहर गए। बाहर जाके देख रहा हूँ होंडा सिटी, फूफा जी ने कार अपग्रेड करी थी। इमेजिन अ यंग चाइल्ड रफली 17-18 जिसने कोई चीज पिक्चर में देखी अच्छी लगी और अब वो सामने है। हल्की सी बारिश हुई थी, मैं तुरंत क्या मैं आगे पीछे से देखने लग गया। मैं थोड़ा सा भीग गया, पैर गिल्ले, घर पे ही थे, पैर गिल्ले, ओपन करके मैं तुरंत अंदर जाके डैशबोर्ड वैशबोर्ड देखने लगा। मैं गिल्ला था। इतने में फुफा जी आए, आते ही तेरे में अक्कल नाम की चीज है, कैसे बैठा तू नई गाड़ी में, औकात है क्या तेरी नई गाड़ी में बैठने की? पूरे खानदान में कभी किसी ने होंडा सिटी खरीदी है क्या? एंड दो तीन बीप जिसमें मेरे माँ को याद किया गया, बहन को याद किया गया, परिवार वाले के दो तीन लोगों को याद किया गया। बोले माँ बाप ने पैदा करके हमारे भरोसे पे छोड़ दिया, औकात है क्या तुम्हारी गाड़ी लेने की? बोले लिटरली 20 मिनट सुनाया। मैं गाड़ी में ही बैठा था और मैं रोना चालू कर दिया, एंड रोना चालू कर दिया, एंड लास्ट वर्ड वाज उतर तेरी गाड़ी से, अब भी नहीं समझ आ रहा क्या? मैंने ना उतरते वक्त अपने आप को एक वादा किया, मतलब जिस गाड़ी के लिए इतना सुनना पड़ा है ना, लाइफ में अगर कोई गाड़ी लूंगा कभी तो पहली गाड़ी वही होगी, होंडा सिटी, दैट टू ब्राउन कलर, क्योंकि वो गाड़ी भी ब्राउन कलर की थी, एंड दैट टू उसका टॉप मॉडल। रोज सुबह उस गाड़ी की चाबी को लेता, साफ करता और अपने आप को रोज एक ही चीज रिमाइंड करवाता, ये गाड़ी को मैं आज साफ कर रहा हूं, जिस दिन मैं लूंगा मैं कभी इसको साफ नहीं करूंगा, पर लूंगा यही। इसके अलावा हर गाड़ी टिन का डब्बा है, ना इसके नीचे कुछ ना इसके ऊपर कुछ, बेइज्जती है तो चाहिए तो यही। सीए कंप्लीट हुआ, सीए कंप्लीट होने के बाद यू नो पहले घर लिया, क्योंकि अपन आते थे नागपुर से पुणे में रहने के लिए, कुछ तो चाहिए तो आदमी कार से पहले घर ही लेगा, ऑब्वियस सी बात है, घर का ईएमआई बड़ा था। 2017 से पहले 2014-15-16 दर्शन सर वॉज लाइक चल ब्रियो ले लेते तेरे लिए, एंड मैं दर्शन सर को हमेशा बोलता अरे भाई गाड़ी एक ही बनी है, होंडा सिटी ब्राउन कलर टॉप मॉडल, इसके अलावा सब टिन के डब्बे हैं। फिर बोले स्विफ्ट ले लेते हैं, मैंने बोला मैंने तेरे को क्या बोला, होंडा सिटी ब्राउन कलर टॉप मॉडल, मेरे को कुछ नहीं समझता बोला इस गाड़ी के अलावा। तो बोले क्या है ऐसा, मैंने बोला जुनून। क्या है? जुनून है, या तो आएगी तो वो आएगी नहीं तो कोई नहीं आएगी। फिर बोले चल सेकेंड हैंड ले लेते, बोला ना आएगी तो न्यू आएगी नहीं तो नहीं आएगी, ऐसा क्या है? जुनून। 1 जुलाई 2017 द दिन विशाल सर के साथ थे हम लोग, तो विशाल सर सेट, विशाल भट्टर सर, विशाल सर सेट चल गाड़ी लेंगे, छोटी गाड़ी ले ले, तू है पल्लवी है स्वास्थ्य की तो है, छोटी गाड़ी ले, वैसे भी सिटी में है। कहाँ? ना सर होंडा सिटी ब्राउन कलर टॉप मॉडल, इसके अलावा गाड़ी नहीं है। 1 जुलाई 2017 विशाल सर से चल डन कर दे, मैंने पल्लवी को बोला, मैंने बोला पल्लवी विशाल सर ऐसा ऐसा बोल रहे, ले सेट पल्लवी मुझे पागल हो गए होते, कैसे पॉसिबल है, घर का ई एम आई, अदर इन्वेस्टमेंट्स ई एम आई और उसके बाद घर खर्चा, और अभी कार का स्कोप ही किधर है, स्कोप ही किधर है। मैं 9 बार उसके पहले होंडा सिटी के शोरूम में जा चुका था सिर्फ होंडा सिटी का प्राइस लेने, पर कभी डन नहीं कर पाए। 1 जुलाई 2017 मैं और पल्लवी गए, बोले विजय पॉसिबल नहीं है, तुम समझो बात,
मैंने बोला विशाल सर बोले मैं आ रहा, तो उसे बोलूँ मैं डन करके रख बोले। मैंने बोला सर डन क्या करना है आपको तो पता ही। तो जब मैं शोरूम में गया वो आदमी मेरे को नई ब्रियो दिखा रहा है, बोले ब्रियो सर दिस इसमें ये है उसमें वो है उसमें वो है। मैं उधर खड़ी एक ही गाड़ी को देख रहा हूँ, फिर वो बोले सर अगर आपका परिवार बड़ा है तो BRV, वो BRV दिखाना चालू। बोले सर आपको होंडा सिटी पसंद आ रही मतलब आपकी फैमिली के हिसाब से बड़ी है। बोले चलिए फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो गया और वो दिखाने लग गया। मेरे को ना घंटा समझ नहीं आ रहा वो बोल क्या रहा, मैं सिर्फ गाड़ी को देख रहा हूँ। आप समझ रहे हो किसी चीज के पीछे ना पागलों जैसे आप पड़े हो और वो चीजें आपके सामने, कोई आपसे क्या बोल रहा है ना आपको समझ नहीं आता उस टाइम पे। वो 5 मिनट बोल रहा, 7 मिनट बोल रहा, 10 मिनट बोल रहा, पल्लवी मेरे को बोलती सुन नहीं रहे हो क्या बोल रहा है। मैंने उस आदमी के कंधे पे हाथ रखा, मैंने बोला भाई सुन इस गाड़ी में अगर कुछ नहीं भी है तो चाहिए ही है, एफर्ट मत लगा इसका कितना ये बोल। फिर उसने निकाल के लाया, बोले सर इसका बेसिक मॉडल टॉप मॉडल, इसमें जो भी सबसे हायर है वो चाहिए सर, लेकिन उसमें ये आएगा वो आएगा सब जोड़ दे अमाउंट बोल। उसने अमाउंट निकाले कुछ 18 लाख समथिंग। मैंने बोला डन कर। पेपर पे ना ऐसा पेपर आया उसके डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, हाथ ऐसा हो रहा था। बात कार की नहीं थी, बात 18 लाख की नहीं थी, बात थी बेइज्जती की, बात थी ईगो की, बात थी आत्मसम्मान की। साइन करने जा रहा था, साइन नहीं हो पा रहा था। पल्लवी ने ऐसा कंधे पे हाथ रखा, देख लेंगे गोल्ड बेच देंगे। शी लेजिट सेड दिस टू मी, देखेंगे गोल्ड बेच देंगे कर ले, बेच देंगे तेरे को लेना है ना तू कर ले। एंड आई साइंड इट, कसम से बोल रहा हूं। साइन करते वक्त ना मेरे को पूरा आधे घंटे का डायलॉग याद आया, पूरे खानदान में कभी कोई होंडा सिटी खरीद सकता क्या, औकात है क्या, तेरी तेरी तेरी। एंड आई जस्ट साइंड इट। दर्शन सर को पता था, दर्शन सर भी आ गए। एंड मैंने मेरे भाई को फोन किया, मतलब एक क्या गाड़ी ले ली। बोले कौन सी, बोले वही। तूने देखा कि नहीं कार का इंश्योरेंस है कि नहीं, ओनर कौन है, कितने साल चला है। मैंने नहीं ली। अब कोई पता था रिसेंटली घर लिया है ये लिया है वो। तो विजय तू पागल है, तेरे को समझ रहा है तू क्या बोल रहा है, 18 लाख का गाड़ी लिया है तूने। मैंने रिपेयर ले ली। अब रिपेयर को पूरा हिस्ट्री तो पता ही था। विवेक ने फोन पे रो दिया, मेरे जो बड़े भी है हम 3 भाई है विनय विवेक विजय, डायरेक्ट रो दिए फोन पर। और बोले उठा गाड़ी, कोई मंदिर में नहीं लेके जाना, लेके जा जलवा ठोक साले की गाड़ी को, ठोक साले की गाड़ी को। और यही नारियल है, यही नारियल है, फूटना ही चाहिए। बता खानदान में कोई ले सकता क्या। मैंने बोला अपन ने ले ली, अब एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं, अब एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्यों काय को कैसे मुझे पता है, आई हैव डन इट, मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, व्हाई खत्म विषय, अंडरस्टैंड। अगर आप किसी चीज को चाह रहे हो पागलों के जैसे चाहना पड़ेगा, पागलों के जैसे चाहना पड़ेगा,
और उससे कम में सैक्रिफाइस करना ही नहीं, उसके लिए बेइज्जती भी सहनी पड़ेगी, इज्जत बाद में मिलेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात करनी पड़ेगी, पागलों के जैसे करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आज जब उस गाड़ी को चलाता हूं ना, ईमानदारी से बताता हूं, टचवुड भगवान की दया, तिरुपति बालाजी की कसम से बोल रहा हूं, आई कैन अफोर्ड अ जैगुआर इन कैश। द क्वेश्चन इज नॉट ऑफ दैट, फील नहीं है रे वो गाड़ी में, वो गाड़ी में फील नहीं है जो ये फील देती है, ये है ना मेरे को बताती है कि मेरी औकात क्या थी और मैं इसके औकात से ऊपर हूं। उस गाड़ी को आज भी मैं नहीं धोता, और उस गाड़ी को जब ऐसा पैर से रेस देता हूं ना, मेरे को लगता है जिसने ये शब्द बोले थे ना उसके ऊपर रख रहा हूं। तो क्वेश्चन ही नहीं है, समझ रहे हो बात को, और अपनी लाइफ भी कुछ ऐसी है, और हम सबकी, we all are in the same game at different level, we all are in the same game at different level, तुमको भी एक purpose ढूंढना होगा। तुमको अगर ऐसा लगता है ना कि यार मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरा मूड नहीं बन पा रहा, प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम्हारे पास purpose नहीं है। जब किसी चीज के लिए purpose आता है ना, तब आदमी उसके पीछे पागल होता है, समझ आ रही है बात। purpose चाहिए, तुम एक purpose ढूंढो कि तुमको ये करना क्यों है। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे भी डाल रखा है, और इंस्टाग्राम पे जाओगे तो पहला ही पोस्ट ये है, उस पोस्ट पे जाके देखो, मैक्सिमम बच्चों ने ना सिर्फ एक कमेंट किया है ये स्टोरी सुनने समझने के बाद, जस्ट केम हियर टू सी दिस। और मैंने वहां पे ना लिखा है, हैप्पी बर्थडे होंडा सिटी, यू आर द बेस्ट रिवेंज आई हैव एवर टेकन। आप चेक करो, मैंने उसमें लिखा है बाकायदा, और अगर आप मेरा आधे से ज्यादा इंस्टाग्राम देखोगे ना, तो उसमें किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, and this will always be a motivation only, koi phaltu post nahi, this will always be a motivation to do the hard work, literally speaking। aap sabhi logon ne dekha hamari halat kya thi, aaj bhi tum jaan rahe ho hamare gale ki halat kya hai, option nahi hai, subah mehnat karna hai, raat mein mehnat karna hai, din mein karna hai, sapne baki hai। aur agar tumko itna hone ke bawajood bhi तुम्हारे मम्मी पापा या तुम्हारे बच्चे को सैक्रिफाइस करना पड़ जाए उनके ड्रीम पे, तो तुम्हारा मेहनत वेस्ट है। गरीब तुम पैदा हुए हो, तुम्हारे हाथ में नहीं था, तुम्हारा बच्चा गरीब पैदा नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे हाथ में, समझ आ रही है बात। यू हैव टू मेक श्योर तुम्हारा बच्चा गरीब पैदा नहीं होना चाहिए, उसको लगना चाहिए माँ कसम बाप के घर पे पैदा हुआ, इतना रख के गया है कि संभालने को तकलीफ है, समझ आ रही है ये बात। एंड दैट्स हाउ योर मोटिवेशन विल बी इन लाइफ, पर्पस ढूंढो, ये साला कुछ पर्पस है, और हर बेइज्जती का बदला लेना, पर जरूरी नहीं है बहुत छोड़ नगाड़ों के साथ लेना है, शांति से लेना है। तुमको प्राउड होना चाहिए तुमने कुछ किया है, तुमको प्राउड होना चाहिए तुमने कुछ किया है। एक छोटी सी बात पे बस खत्म करना चाहूंगा मैं, और दर्शन सर का एक पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ। सर, देयर वाज अ टाइम अराउंड 8-9 years पहले, बहुत फेमस क्लास है पुणे की, हम दोनों वहां गए थे अलग अलग टाइम पे, ये हमको बाद में समझा। तो दर्शन सर न्यू थे इसलिए नहीं लिया, मेरे को तो उस क्लास के ओनर ने बोला था आम्ही मारवाड्यांना ठेवत नाही, चार बार टाइम लिया था, मिला एक बार भी नहीं, बराबर है। 5-6 बार अलग अलग अकेडमी से रिजेक्ट हुए हैं, 2 बार तो मेरा ये पढ़ाने का तरीका देख करके टीचर ने कहा था ये नहीं चल सकता, ऐसी हरकतें करके बच्चे थोड़े ना पढ़ते हैं। खैर, थैंक यू बैच 1, बैच 2, बैच 3। समझ में आई, बात इसकी नहीं है कि 12th में 48% थे, बात इसकी नहीं है कि मैं कहां से आया हूं, बात ये है कि मैं सबसे ज्यादा मेहनत करना जानता हूं, और अगर मैं ये जानता हूं तो मैं ये जानता हूं
कि कैसे फेस टू फेस में पूरे इंडिया का सबसे बड़ा बैच 1200 बच्चों के साथ बनाया जा सकता है, दैट टू एवरीवन कंप्लीटली सेटिस्फाइड विथ एवरीवन विल से ओनली वन थिंग टू द नेक्स्ट बैच, तेरे को जो जिधर लगाने का है लगा, तेरे को ये इधर ही लगाने का है। समझ में आया बात? आप, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, मेरी बात समझो, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जो कर रहा हूं उसको पागल के जैसे कर रहा हूं, और तुमको भी बस यही करना है, जो करो करो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बच्चों।